हेलो बच्चों, मैं सुनीता यादव, प्रवक्ता गृह विज्ञान। बच्चों, हमने आपको उसके पहले बताया था विटामिन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो विटामिन हमने अपने आपको बताए थे मुख्य रूप से छह प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब बच्चों, विटामिन बी जो है उसमें कुल मुख्य रूप से 12 विटामिन पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 12 विटामिन आते हैं, जैसे बी मुख्य रूप से विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B10 एंड 12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। इन सभी विटामिन का व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है बच्चों। ये विटामिन व्यक्ति की सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। विटामिन B1 को थायमिन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। यह सफ़ेद एवं क्रिस्टली होता है तथा जल में घुलनशील होता है। इसे पानी में डालेंगे बच्चों तो घुल जाता है। ये जल में घुलनशील होता है। इसकी गंध खमीर जैसी होती है। इसका स्वाद कुछ नमकीन सा होता है। विटामिन बी की कमी से विटामिन बी वन की कमी से सामान्यतः भूख कम हो जाती है, शरीर में थकावट लगने लगती है तथा टांगों में कमजोरी का अनुभव होने लगता है। स्वभाव उदास एवं चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसकी कमी से जी मिचलाने लगता है। इसकी कमी से हर समय आलस से बना रहता है। इसकी गंभीर कमी की स्थिति में बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, जिससे बदन में सूजन, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में कमजोरी, हृदय कमजोर, मानसिक संतुलन बिगड़ जाने आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, जिन माताओं में विटामिन B1 की कमी होती है उनके नवजात शिशु में भी इसकी कमी हो जाती है। अब आता है बच्चों विटामिन बी की प्राप्ति का स्रोत। तो विटामिन बी की प्राप्ति का स्रोत है मुख्य रूप से ये मटर, खमीर, अंडे की जर्दी, मांस, दूध और अनाजों में पाया जाता है। इससे पाचन शक्ति भी तीव्र होती है। विटामिन B1 से पाचन शक्ति तीव्र होती है। हृदय रोगों से ये रक्षा करता है तथा नेत्र के रोगों में भी रक्षा करता है। स्नायुओं और मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। अब आता है बच्चों विटामिन B2। यह गहरे पीले रंग का होता है। विटामिन B2 गहरे पीले रंग का होता है। इसे विटामिन जी अथवा राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह स्वास्थ्यवर्धक होता है। उबालने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों होठों के कोण फट जाते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन करने में कठिनाई होती है और इस बीमारी को किलोसिस कहते हैं। इसकी कमी से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। आँखों में व त्वचा में जलन होने लगती है। सिर दर्द, मानसिक कमजोरी हो जाती है। नाक पर पपड़ीदार त्वचा जम जाती है। इसकी कमी से रोग निरोधक क्षमता जो होती है शरीर में वो कम हो जाती है। इसकी कमी से त्वचा झुर्रीदार तथा रूखी हो जाती है। समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। और विटामिन B2 की कमी से जीभ में सूजन आ जाती है। जीभ सूज जाती है अर्थात जीभ में सूजन आ जाती है। विटामिन बी टू का कार्य है यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न एंजाइमों के साथ मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। यह पोषक पदार्थों के उपापचय के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन B2 पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, त्वचा को चिकना तथा कांति में बनाए रखता है और आँखों को स्वस्थ रखता है। बच्चों विटामिन बी टू की प्राप्ति का स्रोत है खमीर, गाय का दूध, यकृत, अंडे की जर्दी, पपीता, पनीर, गेहूं, बादाम, मिर्च, सोयाबीन आदि इसकी प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं।
कुछ मात्रा में बच्चों ये फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है। अब आता है आपका विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री यह जल में घुलनशील और रंगीन और कसैला होता है। कसैला कसैला जैसे आंवला हम लोग खाते हैं तो मुंह में कसैलापन आता है, उसी तरीके से विटामिन बी थ्री कसैला होता है और पानी में डालने में ये भी घुल जाता है। जल में घुलनशील होता है, रंगहीन होता है, कसैला होता है। सामान्यतः ये नष्ट नहीं होता, अम्ल तथा क्षार में एवं गर्म करने पर यह परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है। अम्ल और क्षार पे गर्म करने पर यह अपरिवर्तित रहता है। विटामिन बी की कमी अगर शरीर में हो जाती है बच्चों, तो इसकी कमी से पैरों में जलन होने लगती है, इसकी कमी से शरीर में थकान रहती है, रक्त परिवहन सुचारू रूप से नहीं होता, शरीर में जो खून की दौड़ान है वो सुचारू रूप से नहीं होती, इसकी कमी से हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, इसकी कमी से जठर एवं आंत्र रोग हो जाता है। विटामिन बी का कार्य है शरीर में, विटामिन बी टू का, बी थ्री का, विटामिन बी थ्री का मुख्य कार्य है यह ऊपर पचे में महत्वपूर्ण कार्य करता है, बालों को स्वस्थ तथा घने रखता है, रक्त प्रवाह को सामान्य रखता है और शरीर के तापक्रम को संतुलित रखता है। विटामिन बी थ्री की प्राप्ति का स्रोत है बच्चों यकृत, चावल, मूंगफली तथा खमीर, इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त ये जौ, गेहूँ, मछली, अंडा, सोयाबीन, हरा चना, दूध आदि में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन।